राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। आप थंबनेल देख ही पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे मामला क्या है। हम यूपी SSSC BPO मतलब कि ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से आपको भी कुछ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था हमने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। इस भर्ती का नाम यूपी SSSC BPO 2023 केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि 2023 में फॉर्म आया था, बाकी कुछ 2023 में और नहीं हुआ। एलिजिबिलिटी रिजल्ट सितंबर में आता है, उसके बाद उम्मीद होती है कि मेंस की फीस भरी जाएगी, लेकिन मेंस की फीस भी नहीं भरी जाती है। तो समझिए ये भर्ती क्या होने वाला है, कैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट भी हो पाएगा कि नहीं, आप इस पे खुद अनुमान लगाइए कैसे भर्ती कंप्लीट होगा। 2023 में भर्ती आती है, लेकिन 2023 में और कुछ भी नहीं हो पाता है। देख पा रहे होंगे आप आसानी से, 2023 में और कुछ नहीं होता है। तो आप समझिए, अब हम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC BPO 2023 की, तो उनके सामने मेन सवाल तो यही है, मेंस एग्जाम फीस कब भरी जाएगी, बीपीओ मेंस एग्जाम कब होगा, क्या जनवरी फरवरी में हो पाएगी परीक्षा, क्या यूपी SSSC बनाएगी इसे भी पंचवर्षीय योजना। इन प्रकार के सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे, मेरे भी आते हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। और जो बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके नाम जूनियर असिस्टेंट में भी आने ही आने हैं, और फॉरेस्ट गार्ड के अगर उन्होंने पेपर प्रयोग फॉर्म भरा है तो उनमें भी उनका नाम आएगा। तो आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, कैसे करेंगे। यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है सब में, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था 65 मार्क्स का है वो हमने पूरी वीडियो बना दी है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब मामला यह है कि मेंस एग्जाम फीस कब भरी जाएगी, सबसे बड़ा बात यह है। अगर मेंस एग्जाम फीस भर ली जाएगी, समझिए कि आपका एग्जाम 1.5-2 महीने में हो ही जाएगा। लेकिन आज तारीख है 25 दिसंबर, आज क्रिसमस है और आज तक मेंस एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आप समझिए मेंस के एग्जाम की फीस कब भरी जाएगी। अब मुझे तो नहीं लगता कि इस हफ्ते भी भरी जानी है, लेकिन एक मतलब उम्मीद इस तरह के से हम कर सकते हैं कि बीपीओ मेंस एग्जाम कब होगा। अगर जो मेंस एग्जाम की फीस है अगर वो जनवरी के शुरुआती हफ्तों में या दिसंबर के इसी हफ्ते में भर ली जाती है, ऐसा होने वाला नहीं है दिसंबर में भरी जाए, लेकिन अगर जनवरी में भर ली जाती है पहले हफ्ते में जनवरी के, तो समझिए हमारा पेपर जब यूपी पी कांस्टेबल की वैकेंसी है 60,244 पदों पे, उनको संभावित डेट जो दिया हुआ है 11 फरवरी दिया हुआ है, उसी 11 फरवरी पे RO ARO का भी पेपर होना है। तो RO ARO का पेपर का तो 11 फरवरी को होना ही होना है, लेकिन जो यूपी पी कांस्टेबल का पेपर है वो फरवरी महीने में ही होगा, 11 तारीख को नहीं होगा, ये क्लियर है, क्योंकि उस दिन RO ARO का पेपर है, क्लास नहीं करवाएंगे, तो उनका पेपर फरवरी में होगा। तो हमें भी यह उम्मीद रखना होगा कि हमारा पेपर जनवरी में तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने मेंस फीस ही नहीं भरी है, तो फरवरी में हमारे भी एग्जाम हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद करनी है। तैयारी तो मुझे सबकी पता है, सबकी अच्छी चल रही होगी, जितने भी 66,694 बच्चे हैं सबकी तैयारी बढ़िया है, कुछ तो रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो फरवरी में उम्मीद है कि पेपर हो, अगर जनवरी के पहले हफ्ते में मेंस की फीस भरी जाती है, तो अगर मेंस की फीस जनवरी के पहले हफ्तों में नहीं भरी जाती है, तो आप समझिए कि हमारी भी जो यह यूपी बीपीओ एग्जाम है यह पंचवर्षीय योजना बनने वाली है। फिर चुनाव आ जाएगा लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव जब हो जाएगा तो उसके बाद कब ये पेपर कराएंगे इनका कुछ नहीं पता है, आचार संहिता वोट रिजल्ट यही सब होता रहेगा। तो अगर इनको जिस प्रकार से यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती लाए जल्दीबाजी में केवल चुनाव के चक्कर में 60,000 पदों पर, उस प्रकार ये अगर चाहेंगे तो फरवरी में इसकी परीक्षा करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं, क्योंकि फरवरी में परीक्षा कराने से 66,000 बच्चे जो होंगे वह एक इंतजार में हो जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट फिर चुनाव के बाद आएगा, तो बांध के रखेंगे बच्चों को सरकार के खिलाफ जाने का मौका नहीं देंगे। इसलिए उम्मीद है कि फरवरी में पेपर हमारा भी करा लिया जाएगा, यही पूरी उम्मीद है कि फरवरी में ही पेपर होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि फरवरी में पेपर हो ही जाएगा, 75% उम्मीद है कि फरवरी में पेपर होगा। अगर फरवरी में पेपर नहीं होता है तो आप समझ लीजिए जून जुलाई तक पेपर चला जाएगा। इस प्रकार से आप इस बात को समझिए।
तो हमें उम्मीद है, आपको उम्मीद है फरवरी तक का। फरवरी में पेपर नहीं होता है तो फिर जून जुलाई योजना, फिर रिजल्ट कब आएगा, या फिर इसको पंचवर्षीय योजना बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख ही पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का जो एग्जाम 2018 में हुआ था, पूरा पेपर हो गया, रद्द हो गया, 2023 में फिर से पेपर हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो पंचवर्षीय योजना तो बन चुकी है। इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी चाहती है कि बीपीओ 2023 को भी पंचवर्षीय योजना बना दी जाए। तो आप तैयारी करिए, अगर फरवरी में परीक्षा हुआ तो ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना बनना क्लियर हो चुका है। फरवरी के लिए आप मान के तैयारी करिए, और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उम्मीद हमें यही करनी है कि जनवरी के पहले हफ्ते में बीपीओ मेंस की फीस भर ली जाए। अगर बीपीओ मेंस की फीस भर ली जाएगी तो एग्जाम फरवरी फरवरी शुरुआत में तो नहीं हो पाएगा, लास्ट में जरूर ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें तैयारी करते रहना है। रिविजन जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो रिविजन करें। फरवरी में उम्मीद रखे कि पेपर होगा, नहीं होता है तो आप इसी एग्जाम को तैयारी करना छोड़ दीजिएगा, किसी और एग्जाम में लग जाइए। अभी भी आपके पास मौका है। 60,244 पदों पर यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती आई है, एससीजीडी की भर्ती आई है। जीडी की लास्ट डेट 31 है और 16 जनवरी लास्ट डेट यूपीपी कांस्टेबल की होगी, उसकी तो अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप इस प्रकार से तैयारी करिए कि उनमें भी आप पेपर दें, क्योंकि उनका पेपर जल्दी ही हो जाएगा दोनों का। मुझे नहीं लगता कि इसका पेपर उनसे जल्दी होगा। यूपीपी का पेपर तो एकदम संभावित है और हो ही जाएगा फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में। तो इस प्रकार से आपको उन पे शिफ्ट हो जाना है अभी कुछ दिनों के लिए, 1.5 महीने के लिए। तो आप वहां पर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं, इसका जब पेपर होगा तो देखा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे और बीपीओ के सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम बीपीओ के सारी पूरी की पूरी सिलेबस को हमने कवर किया है और आगे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को भी कवर करेंगे जैसे ही मेंस फीस भरी जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।